हेलो डियर स्टूडेंट्स तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम समझेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में क्लियर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या हैं इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं वो सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में क्लियर है बेटा तो चलिए करते हैं स्टार्ट तो सबसे पहले बेटा देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन को समझने से पहले मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स शो करना चाहूँगा क्लियर है देखिए आप जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं एक बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो जैसा डायग्राम में दिखाया गया है वो देखने में वो कुछ इस तरह से होती हैं ठीक है, है? मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स या इसको बोला सक बोल सकते हैं हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है क्या ये आपको देखने में कैसी लग रही है कर्व लग रही है क्लियर है मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अ कर्व्ड पाथ कैसा पाथ है ये कर्व्ड पाथ और ऐसा है कि अगर इस पर हमें किसी भी पर मैं एक करता हूं, तो ये टेंजेंट मुझे क्या बताएगा उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा क्लियर है ना तो यहीं से इसकी डेफिनेशन आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज डिफाइंड एज द कर्व सच दैट टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट गिवस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट क्लियर है बेटा तो अगर इस पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक ऐसी कर्व है जिस पर अगर मैं किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट बनाऊँ तो वो टेंजेंट मुझे क्या बताएगा उस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बताएगा क्लियर है बेटा अच्छा आप देखिए हम समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में तो फर्स्ट पॉइंट है बेटा मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में चलती है और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में क्लियर तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड मैग्नेट इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल And inside the magnet they travel from south pole to the north pole. Clear? तो second point बेटा ये समझते हैं हम इसका. The line of the force never cross each other. Means magnetic field lines never cross each other. Why they do not cross each other? ये question आपसे पूछा जा सकता है. देखिए हमने बताया था magnetic field line पर अगर हम tangent draw करेंगे तो वो हमें क्या show करेगा? Direction of the मैग्नेटिक फील्ड क्लियर तो सपोज देर आर द टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन विच आर क्रॉसिंग इच अदर मतलब दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसी दूसरे को क्या करती हैं बेटा क्रॉस करती हैं तो इसका मतलब क्या होगा वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है जहां पर उन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया है उस पॉइंट पर कितने टेंजेंट हो सकते हैं दो टेंजेंट हो सकते हैं क्लियर सो देर विल बी द टू डायरेक्शन सॉरी सो देर विल बी दू टेंजेंट एट द इंटरसेक्शन पॉइंट अब टू टेंजेंट का मतलब बेटा टू डायरेक्शन क्योंकि टेंजेंट क्या शो कर रहा है डायरेक्शन सो देयर विल बी द टू डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट बट दिस इज नॉट पॉसिबल ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो क्लियर एक, एक किसी भी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की हमेशा एक ही डायरेक्शन हो सकती है तो इसीलिए कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती या एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती क्लियर है बेटा तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम समझते हैं इसकी द लाइंस ऑफ फोर्स हैव अ टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज वाइज ये लेंथ एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं दिस एक्सप्लेन्स और ये बेटा क्या करेंगी देखिए दो लाइन ऑफ फोर्स हैं दे कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज एंड एक्सपेंड साइडवेज साइडवेज के हिसाब से ये एक्सपेंड करती हैं फैल जाती हैं लेकिन लेंथ वाइज ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी क्लियर इससे बेटा हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं ये क्या ये चीज क्या एक्सप्लेन करती है इट एक्सप्लेन द अट्रैक्शन बिटवीन द अनलाइक पोल्स जो अनलाइक पोल्स हैं वो एक दूसरे को यानी अट्रैक्ट कर रहे हैं और जो सिमिलर पोल्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं क्लियर देखिए डायग्राम में आप देख सकते हैं लेंथ वाइज इसमें क्या है कॉन्ट्रैक्शन है लाइंस नजदीक आ चुकी हैं एक दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी हैं और साइड क्या हो रही हैं एक्सपेंड हो रही हैं क्लियर है बेटा और जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइन ऑफ द फोर्स गिव द मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मीन अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें ज्यादा क्लोज हैं तो यानी वहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर हैं तो इसका मतलब वहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसा है वीक क्लियर है बेटा तो यानी कि बेटा यहाँ पर आप आपको पता है कि पोल्स के नज़दीक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा क्लोज होती हैं तो इसका मतलब जो पोल्स हैं मैग्नेट के वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है स्ट्रोंग क्लियर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रांग नियर द पोल्स एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज वीक इन द मिड बीच में मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है या किसी भी पॉइंट पर एज कंपेयर टू द पोल्स नेक्स्ट है बेटा इफ द डिस्टेंस बिट्वीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इज इक्वल अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के बीच में इक्वल डिस्टेंस है तो हम क्या कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म क्लियर और अगर कहीं पर डिस्टेंस इक्वल नहीं है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के बीच का इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म क्लियर है बेटा तो ये थी हमारी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज क्लियर तो चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू एंड हैव है डे